आपने देश में बड़े नेताओं वीआईपी लोगों की सुरक्षा में सूट बूट में काली वर्दी वाले जवानों को तो देखा ही होगा। जिस नेता के पास जितने सुरक्षा गार्ड जितने तामझाम उस नेता का उतना भौकाल। लेकिन ये भौकाल बनता कैसे है, कैसे मिलती है सुरक्षा के इतने तामझाम और किन लोगों को मिलती है जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को कई श्रेणियों में बांटा गया है जैसे एक्स वाई जेड और जेड प्लस और एसपीजी सुरक्षा। हम आपको इन्हीं सिक्योरिटी कैटेगरी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। एक्स श्रेणी की सुरक्षा, इस श्रेणी में दो सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं जिसमें से एक पीएसओ यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है। वाई श्रेणी की सुरक्षा, इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जिसमें दो पीएसओ यानी के निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। इस श्रेणी में कोई कमांडो तैनात नहीं होता है, ये सुरक्षा कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी में भी एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा की, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सिक्योरिटी के बाद भारत की टॉप सिक्योरिटी कैटेगरी ये है। इस कैटेगरी में वीआईपी की सिक्योरिटी में 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है जबकि दूसरी लेयर एसपीजी कमांडो की होती है। साथ ही जेड प्लस सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है, ये देश की सबसे प्रोफेशनल और मॉडर्न सुरक्षा बलों में से एक है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में की गई थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ही चाक चौबंद सुरक्षा माना जाता है। इसमें कितने जवान होंगे इसकी संख्या तय नहीं होती है, खतरे के अनुसार इसमें जवानों की संख्या तय की जाती है। एसपीजी की सुरक्षा पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को भी दी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले एसपीजी एक्ट में बदलाव कर दिया गया जिसके बाद अब सिर्फ प्रधानमंत्री को ही ये सुरक्षा मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सुरक्षा किन लोगों को मिलती है और किस आधार पर मिलती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, फेमस आर्टिस्ट, प्लेयर, देश का कोई फेमस और महत्वपूर्ण नागरिक, देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को अगर जान का खतरा है तो उसे इनमें से एक सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि किन लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी ये दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि प्राथमिक तौर पर किसी को सुरक्षा प्रदान करना राज्य का मामला है। राज्य खतरे से गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के सहयोग से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के अंतर्गत होती है। किसी को सिक्योरिटी देने का जिम्मा स्टेट का होता है। सिक्योरिटी किसे मिलेगी ये सुरक्षा एजेंसियां खतरे के आधार पर तय करती हैं। अगर किसी को आतंकियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है, तो सिक्योरिटी दी जाती है। खतरे के आधार पर ही सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है या फिर वापस ले ली जाती है। ये काम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 2 कमेटियां करती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस तरह की सुरक्षा पर कितना खर्चा आता है और सुरक्षा का खर्चा कौन देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाती है। फिलहाल सीआरपीएफ 21 लोगों को जेड प्लस कैटेगरी की और 26 लोगों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देती है। सीआरपीएफ की फिलहाल 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी है, यानी करीब 6000 जवान और इनका हर तरह का खर्च वीआईपी सुरक्षा की कैटेगरी से आता है। वित्त मंत्रालय ने इस बजट में सीआरपीएफ के लिए 31,772 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। अगर अधिकारियों की माने तो इसमें से 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। सीआरपीएफ के बाद सीआईएसएफ सबसे ज्यादा जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीआईएसएफ 144 लोगों को सुरक्षा देती है जिसमें 9 लोग जेड प्लस श्रेणी के हैं और 11 लोग जेड श्रेणी के हैं। विशेषज्ञों के अनुसार औसतन जेड प्लस पर 50 लाख और जेड पर 40 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री से जुड़ी एसपीजी के बजट 411 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़ रुपए किया गया है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सरकार को 36 करोड़ रुपए महीना खर्च करने पड़ते हैं जो प्रतिदिन 1.18 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा से जुड़े मदद के लिए खर्च होता है। 2021 के एक आंकड़े के अनुसार देश में 230 लोगों को जेड प्लस और जेड और वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है।
40 ऐसे लोग हैं जिन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 40 लोगों को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सरकार इन्हीं सुरक्षा पर महीने के 50 लाख रुपए खर्च करती है। देश में वीआईपी लोगों को महफूज रखना महंगा पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में सभी तरह की सिक्योरिटी कैटेगरी को मिलाकर करीब 20,000 से अधिक वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा प्राप्त है। प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा कवर से लेकर जेड प्लस, जेड, वाई प्लस और वाई और एक्स श्रेणी की सुरक्षा के अलावा केंद्र व राज्य में एक या दो सुरक्षाकर्मी साथ लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। लगभग 20,000 वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने में सालाना 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इनकी सुरक्षा में 60,000 से अधिक जवान तैनात हैं। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही हैं। इस खर्च में तो केवल सुरक्षा कर्मियों का वेतन और वाहनों का पेट्रोल डीजल ही शामिल है। खाना पीना रहना ट्रैवलिंग अलाउंस जोखिम भत्ता एवं दूसरा कई तरह का व्यय अलग रहता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करती हैं। भारत में जनता के टैक्स के पैसों से हजारों करोड़ों रुपए नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार नेताओं की सुरक्षाओं में चूक हो जाती है। पिछले साल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली थी। सुरक्षा में भारी चूक की वजह से प्रधानमंत्री इस रैली में नहीं जा सके थे। समय समय पर देश के अन्य नेताओं की सुरक्षा चूक का मामला सामने आता रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती है, क्योंकि भारत ने अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा में चूक के चलते खो दिया था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मारकर कर दी थी। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान एक धमाके में राजीव गांधी की हत्या सुरक्षा में बड़ी चूक की विडंबना बनकर सामने आई थी। आइए अब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा कैसे होती है। अमेरिका राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। इस दस्ते में तैनात जवान जमीन, आसमान और समंदर से हमेशा राष्ट्रपति पर कड़ी नजर रखते हैं। सुरक्षा कर्मी एक नेटवर्क के जरिए हमेशा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से संपर्क में रहते हैं। इनके पास राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी तरह का केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर परमाणु हमले से निपटने के इंतजाम भी हर वक्त मौजूद रहते हैं। एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान का नाम है। आसमान में उड़ान भरते वक्त कोई रडार इसको लोकेट नहीं कर सकता है, फिर भी एयरफोर्स वन की पोजीशन कोई जान भी ले तो इसे निशाना बना पाना मुमकिन नहीं है। एयरफोर्स वन के साथ अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन भी उड़ान भरते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी टीम होती है। इसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कहते हैं। इसमें हजारों की संख्या में कमांडो होते हैं। इन हजारों जवानों में से भी खास जवानों को पुतिन की क्रीम लेयर में तैनात किया जाता है। ये जवान लगभग हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होते हैं। पुतिन के निवास यानी के क्रेमलिन की सेफ्टी भी कहीं कम नहीं है। यहाँ सीसीटीवी और सैनिकों के अलावा बाज और उल्लू जैसे पक्षी सुरक्षा करते हैं। ये पक्षी फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा है। इसमें ऐसे शिकारी पक्षी रखे जाते हैं जिनकी अलग अलग खासियत होती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहचान अरब के सबसे ताकतवर नेताओं में से होती है। सलमान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी सुरक्षा कई लेयर्स में होती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी होता रहता है। इसमें टाइगर स्क्वाड से भी कई गार्ड्स प्रिंस की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये वही स्क्वाड है जो हवा, पानी और जमीन तीनों ही जगहों पर खुफिया हमले करके तबाही मचाने की ताकत रखता है। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने में महारत हासिल होती है। अगर बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की करें तो उनका सुरक्षा घेरा भी बेहद मजबूत माना जाता है। जिनफिंग की सुरक्षा सेंट्रल गार्ड्स ब्यूरो के कमांडो करते हैं। ये कमांडो हर समय अपने नेता को घेरे में रखते हैं। इनमें कुछ पैदल, कुछ मोटरबाइक तो कुछ कार में होते हैं। एरियल प्रोटेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन होते हैं। हालांकि शी जिनफिंग की सुरक्षा घेरे में कितने जवान तैनात होते हैं और किस खास रणनीति के जरिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कार के पीछे दौड़ते सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। लंबे चौड़े और सूट में रहते ये गार्ड्स मामूली नहीं है बल्कि बेहद ताकतवर होते हैं। कोरियन पीपल्स आर्मी के ये लोग उन परिवारों से होते हैं जिनकी पुरानी पीढ़ियां भी चोंग परिवार के लिए अपनी वफादारी साबित कर चुकी हैं। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। किम के चारों ओर सुरक्षा के तीन लेयर होते हैं जिसे तोड़कर भीतर जाना लगभग नामुमकिन होता है। किम की सुरक्षा में तैनात गार्ड को सुप्रीम गार्ड कमांडो कहते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के इन देशों के सिक्योरिटी सिस्टम और भारत के सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर आपको क्या लगता है? अपने देश में नेताओं की सुरक्षा को और भी बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।